तो मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी के थ्रू में मैंने रेगुलर आप लोगों को व्यू देता हूँ। तो कल के लिए मतलब 17/12/2019 के लिए मैंने ये स्टॉक्स चुना है स्क्रीनिंग करके। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। इसमें इक्विटी, कमोडिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा। और आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो मैंने रेगुलर देता हूँ और बाई सेल लेवल देता हूँ वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये इसके अलावा और भी बहुत सारा स्ट्रैटेजी चार्ट सेटअप और कुछ एडुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस कुछ शेयर किया हूँ। तो उसमें वो वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा जो आप लोग को ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट जरूर लाएगा और आप लोग को ट्रेडिंग करने का आसान हो जाएगा। तो आप लोग को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए ये स्टॉक्स मैंने चुना है, इसका बाय आप लोग इसमें क्या क्या है क्या नहीं है कैसे ये काम करता है। बाय सेल लेवल 1, बाय सेल लेवल 2 और बाय सेल लेवल 3 स्क्रीनर में रहता है। और बाय सेल लेवल 3 मैंने अलग से फाइल बना के रखा हूँ, ये मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देता हूँ पूरा फाइल। और आप लोग भी इस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकता है फ्री ट्रायल के लिए। एक हफ्ते के लिए मैंने फ्री ट्रायल देता हूँ, तो फ्री ट्रायल के लिए आप लोग ज्वाइन हो सकता है। उसके बाद आप लोग मेरी सर्विस ले सकता है आप लोग को पसंद आएगा। तो इसका लिंक दिए जाएगा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा ये फाइल का डाउनलोड सैम्पल फाइल देखने के लिए ये डाउनलोड करने का लिंक भी दिया जाएगा। फाइल का डाउन आप फाइल डाउनलोड कर सकता है, उसका लिए लिंक दिया जाएगा। तो ये देखिए बाय सेल लेवल 1 में बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। सेल का भी ऐसा है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। तो आप लोग को इधर जब कौन सा लेवल पे कौन सा है वो आप लोग को देख लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप लोग को नेक्स्ट लेवल के में एंट्री लेना है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आप लोग को टारगेट मिल रहेगा और पीछे वाला लेवल आप लोग को स्टॉप लॉस रहेगा। सोच लीजिए इधर 328 में, सोच लीजिए ये 330 में 330.44 के ऊपर, सोच लीजिए 340.70 में ये ओपन हुआ है। तो इसके ऊपर आप लोग को एंट्री ले लेना है तो इस टारगेट के लिए। और ज़्यादा ये नज़दीक हो जाएगा तो सोच लीजिए 331 या 332 के आसपास हो जाएगा। तो ये 332.35 का लेवल को जब क्रॉस करेगा तो आप लोग को एंट्री लेना है। ऐसे करके आप लोग एंट्री ले सकते हैं तो आप लोग को कोई प्रॉफिट जरूर आएगा। 95% के ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगा इसका। और ये है बाय सेल लेवल 2 और आप लोग ठीक से एंट्री ले सकता है तो ये जरूर करेगा। और मैंने रेगुलर बेसिस पे ये है बाय सेल लेवल 3 रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस दिखाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा ये कैसे काम करता है और कैसे इसका एंट्री ले जा सकता है। लाइव मार्केट में मैंने चार्ट देखे, मैंने आप लोग को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ और ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर है और ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। ये आप लोग नोट कर सकते हैं। बाई सेल लेवल 1 दिखा दिया, ये बाई सेल लेवल 2 और बाई सेल लेवल 3 आ रहा है। ये है वैसे लेवल 3 और ये है स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट। निफ्टी वन निफ्टी हो गया, कमोडिटी को दिखा देता हूँ। कुछ कोई भी स्क्रिप्ट में नेक्स्ट ये जो अगला दिन जो फाइल शेयर करता हूँ, अगला दिन जो वैसे लेवल शेयर करता हूँ, नेक्स्ट डे में किसी भी स्क्रिप्ट में कमोडिटी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स काम करेगा, आप लोग देख लेंगे। ये आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देंगे आप लोग ठीक ठाक समझ के एंट्री लेंगे। तो देख के और लाइव मार्केट में इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे इसका व्यवहार किया जा सकता है, इसके लिए मैंने रेगुलर इसका परफॉर्मेंस आप लोग को दिखाता हूँ। लेवल 2
वैसे लेवल 3, और कुछ फ्यूचर्स का मैंने ऐसे ही कर देता हूँ, और लोग इसका भी परफॉर्मेंस देख सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।